अब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रोटोकॉल बनता है IP 3554, जिसका नाम है द डिफिकल्टी टाइम बॉम्ब। ये जैसे कि नाम ही बता रहा है कि टाइम बॉम्ब होने वाला है माइनर्स के ऊपर और मुमकिन है कि एथेरियम के ऊपर भी हो। अब वो कैसे, जैसे कि हम सब जानते हैं, आपने भी सुना होगा कि एथेरियम आने वाले कुछ सालों में, एक या दो साल में, अपना जो एथेरियम क्लासिक है इसको टोटल अपग्रेड करके एथेरियम 2.0 के ऊपर ले जाएंगे, जिसके बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। अब एथेरियम 2.0 क्या है, कैसे काम करेगा, उसका जानने के लिए मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ आप लोगों को बताने के लिए। उसका लिंक आपको यहाँ पे आई कार्ड में शो हो रहा है, तो आपने जाकर उस वीडियो को लाजमी तौर पर देख लेना और समझे एथेरियम 2.0 क्या है और कैसे फ्यूचर में हमें इसका फायदा हो सकता है, हम आप इसे कैसे एथेरियम 2.0 को माइन कर सकते हैं, सारी मालूमात उसमें मौजूद है। तो जैसा कि इन फ्यूचर एथेरियम 2.0 पर जाने वाला है, अब 2.0 में क्या होगा, ये प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम करेगा। अभी तक एथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा जिसके मसाइल सामने आ रहे हैं। तो अब 2000 यानी कुछ सालों के बाद एथेरियम 2.0 पर जाने वाला है, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम करेगा। अब आप परेशान होंगे कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, कैसे काम करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो उसके लिए भी डिटेल में मैंने यहाँ पे वीडियो बना दी है, आपको आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा, जाके आप उसको देखें और समझे लाजमी तौर पर अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में प्रॉफिटेबल और ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो एथेरियम वालों ने क्या सोचा कि हम इसको अब 2.0 के ऊपर जब अपग्रेड करेंगे तो उसकी तैयारी हम अभी से शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब माइनर्स का जो काम है वो खत्म हो जाएगा, प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर जाकर उनकी माइनिंग का सिस्टम टोटल चेंज हो जाएगा। तो इन्होंने क्या सोचा कि अब माइनर्स को खुश करने के लिए और माइनर्स खुद ब खुद प्रूफ ऑफ वर्क को छोड़कर प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर आ जाए, इन्होंने क्या सोचा कि अब दिन ब दिन जितनी भी एथेरियम की ट्रांजेक्शन होगी ना, जो उसके ऊपर माइनिंग होगी उसको वो दिन ब दिन मुश्किल करते जा रहे हैं, यानी कोडिंग को बहुत ज्यादा टफ करते जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसे कोडिंग टफ होती है माइनिंग में, तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए ब्लॉक्स को मजीद कंप्लीट और नया ब्लॉक ऐड करने के टोटल माइनिंग के लिए बिजली बहुत ज्यादा लगेगी। जितनी जो माइनिंग है वो टफ होगी, हार्ड होगी, उतनी ही माइनिंग पावर ज्यादा लगेगी, और माइनिंग पावर ज्यादा लगने का मतलब है कि जो बिजली लगती है इलेक्ट्रिसिटी वो बहुत ज्यादा लगेगी। तो इस तरह जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होगी वो जो माइनर्स का प्रॉफिट है उसमें वो ऐड होगी, तो माइनर्स का प्रॉफिट बहुत ज्यादा थोड़ा रह जाएगा। जितनी कॉस्ट ज्यादा होगी उतना ही प्रॉफिट कम रह जाएगा माइनर्स के पास। तो ये जो डिफिकल्टी टाइम बॉम्ब है, ये अगर गिरता है, ये सही तरीके से काम नहीं करता या काम करता है, ये जैसे भी मामला सारे होते हैं, इसलिए 4 अगस्त का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एथेरियम के लिए, क्योंकि जो इप है ना 3554, इसमें माइनर्स के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, ताकि माइनर्स खुद ब खुद अपनी माइनिंग को बंद करके प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर आ जाए, यानी अपने कॉइन्स को बाय करके माइनिंग ना करें, उनको स्टेकिंग के ऊपर लगा दे, जिनसे उनकी पावर, बिजली की पावर बिल्कुल भी नहीं लगेगी और उनको प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो जाएगा। तो ये थे इप के जो हमने दो प्रोटोकॉल थे जिनकी बात की, IP 5559 की और दूसरा था IP 3554। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हम जो होल्डर्स हैं हम यहाँ पे क्या करें। अब सबसे पहले तो बात है, अगर दोनों प्रोटोकॉल सही तरह काम करते हैं तो एथेरियम में हमें बहुत ज्यादा एक ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, यानी इसकी प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है, जो कि अभी तक नहीं गई। लेकिन अगर जो फर्स्ट प्रोटोकॉल है IP 1559, अगर वो सही तरह नहीं वर्क करता और मैलिशियस अटैक हो जाता है, जाहिर सी बात है जब अटैक होगा एथेरियम की मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश कर जाएगी, हम कह नहीं सकते कि नीचे कहाँ तक आकर गिरे। लेकिन अगर ये IP 1559 सही नहीं जाता और मार्केट में जो 51% का अटैक हो जाता है, मैलिशियस ब्लॉक ऐड हो जाता है, या क्रिप्टो करेंसी वगैरह हैक, एथेरियम है जो हैक होना शुरू हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा हमें क्रैश देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे हम होल्डर्स के लिए ये है कि हमने बहुत ज्यादा मोहतात रहना है 4 अगस्त को, और इसका जो टाइम है वो तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बनता है 6 PM UTC, तकरीबन 13 का टाइम बनता है ये ना, मसीह में डिस्क्रिप्शन में टाइम की डिटेल ऐड कर दूंगा। तो आपने 4 अगस्त UTC 13 को आपने उसके वक्त, यानी पाकिस्तानी 6 PM के वक्त आप लोगों ने बहुत ज्यादा मोहतात रहना है और स्टॉप लॉस के बगैर आपने कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि जैसे बिटकॉइन एक अच्छी इन्फ्लुएंशियल करेंसी है, पॉपुलर करेंसी है, जैसे वो क्रैश करती है पूरी मार्केट क्रैश करती है, इसी तरह अगर एथेरियम क्रैश करेगा तो पूरी मार्केट क्रैश कर सकती है। इसलिए आपने कोई भी ट्रेडिंग करनी है आपने स्टॉप लॉस के बगैर नहीं करनी, स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है। अब स्टॉप
प्लस क्या है, कैसे लगाते हैं, उसके लिए भी आपको यहाँ पे वीडियो का लिंक आ रहा है, जाके आप उसको वॉच कर लेना। स्टॉप लॉस को लगाने का सही तरीका आपने समझ लेना है ताकि आपका लॉस कम हो, और टेक प्रॉफिट भी साथ आपने लगाना ताकि आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होता रहे। तो 4 अगस्त को आपने बहुत ज्यादा मोहतात रहना है, और आपने एथेरियम को बाय करें, मैं ये नहीं कह रहा कि बाय ना करें, बिल्कुल बाय करें, लेकिन नंबर 1 स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाएं, और आप बहुत ज्यादा मोहतात रहकर जैसे मार्केट में थोड़ी सी आपको मूवमेंट आपकी मर्जी के खिलाफ नजर आए तो आपने अपने एथेरियम को सेल कर देना है। अगर अच्छी जाए तो अपना प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यार देने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैं बता दूं अगर आप क्रिप्टो को फ्री सिग्नल हासिल करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मेरा चैनल बना हुआ है जो कि टोटल फ्री है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इन फ्यूचर टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लेलिस्ट भी ऊपर को शो हो रही है, यहाँ भी आपको प्लेलिस्ट भी आ रही है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की, उसको आप जाके सीखिए समझें ताकि आप क्रिप्टो में अपना नुकसान कम कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।